BRO welcomes you to the top of the world mighty Khardungla. क्या सही है यार ये highest point of our trip. एक अलग ही feel. चक्कर से आ गए थे. Hello. सामने मौसम देखो. Please drive carefully. Snowfall start हो गई है. Land करा दे. ये शगुन क्यों थे बेटा. Pass तो दे दो यार. अरुणाचल प्रदेश साहब क्या रास्ता है यार. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं. सो हम निकल गए हैं अपने गेस्ट हाउस ले में से. अरे आज बंद है सब कुछ. और एक पंगा छोटा सा ये हो गया. हमने ऑनलाइन पेमेंट की, परमिट की, पेमेंट कट गया लेकिन परमिट नहीं आया. भाई कौन सा रास्ता है ये पूरा. सो गाइस ये है खरदुंगला रोड. यहाँ से नूबरा वैली है 157 किलोमीटर ले से. इट्स लाइक 4 hours 24 minutes, तकरीबन 4.5 घंटे बता रहा है GPS. एंड बज रहे हैं 2:30, मतलब 3 और 4, 7 बज जाएंगे हमें पहुँचते पहुँचते. बट एक्चुअली 8 भी बज सकते हैं बिकॉज एक आध घंटे का ब्रेक भी होगा. निशा कह रही है हे भगवान ऐसी रोड रखना प्लीज. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. सो हमने परमिट चेक करा लिया हमारा. उसमें लिखा हुआ था यू आर ऑन द हाईएस्ट मोटरेबल रोड. क्या बात है. और तो खरदुंगला से भी ऊपर उमलिंगला पास है. बट स्टिल खूब राइडर्स का ग्रुप है यहाँ पे. खूब टूरिस्ट हैं, ट्रैवलर एंड ऑल सब है यहाँ पे. अरे वाह वाह वाह, दो दो लोग साइकिल पे, बच्चे भी हैं भाई. वहाँ भी व्हीकल है, वहाँ भी व्हीकल है. जाना कहाँ भाई, इधर की उधर. फास्ट ड्राइव कुड बी लास्ट ड्राइव. भाई अपन स्लो ही जा रहे हैं. इट इज नॉट अ रैली, एंजॉय द वैली. वाह वाह वाह, क्या सही कोट लिखते हैं यार BRO. क्या पॉइंट है. हमें वहां तक जाना है. और ये क्या रास्ता है यार, ये देखो गजब है यार. खरदुंगला की चढ़ाई बहुत बढ़िया, एवेंजर बहुत बढ़िया. सो गाइस ये है साउथ पुलू. आई थिंक ये चेक पोस्ट है. हाँ जी, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है अभी. देख ये देखो. ओहो हो हो, छोटी छोटी बूंदे ये. ऑसम ऑसम. अब देखते हैं, अभी तो हम खरदुंगला टॉप पे पहुंचे भी नहीं. एक राइडर्स रिस्पेक्ट अलग ही होती है. सब एक दूसरे को थम्सअप करते हैं, अपना मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है. यार हम कितना नीचे से आए हैं देखो. एंड इस खरदुंगला पे भी डबल लेन बनी हुई है. छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्नोफॉल हो रही है, कभी मुंह पे पड़ती है. बट वो ताबो वाली स्नोफॉल तो गजब थी यार. उस ताबो वाली स्नोफॉल में हमसे बाइक ही नहीं चलाई जा रही थी, इतनी गजब स्नोफॉल थी. ओवर स्पीड इज अ नाइफ दैट कट्स लाइफ. बर्फ एंड ऑफ रोड. हम गए फुल लगेज के साथ आए हैं. हमने होटल से चेकआउट कर दिया, नूबरा वैली में रुकेंगे. इस वजह से हमारी बाइक स्लो चल रही है. बहुत लोड है बाइक पे, एक तो दो लोग प्लस 50 किलो से ज़्यादा सामान. लेकिन मज़ा आता है इसमें. आप ये हिसाब लगा लो, लगेज इतना है हमारे पास कि हमारी जो LC है लद्दाख कैरियर, उसको हमें हर स्टॉप पे टाइट करना पड़ता है, उसके बोल्ट लूज हो जाते हैं. यार ये सब बहुत मेहनत करते हैं. अरे यार ये देखो, ये कार थी या क्या था, कार ही थी शायद. इस चीज़ को दिखा रखा है, प्लीज़ ड्राइव केयरफुली बिकॉज ये गाड़ी शायद नीचे गिरी थी. स्नो स्लाइड प्रोन एरिया स्टार्ट्स. लैंडस्लाइड होता है, एवलैंच होता है, स्नो स्लाइड भी देख लिया आज. AR कहाँ का नंबर है? AR अरुणाचल प्रदेश से है भाई. चलेंगे वहाँ भी तावांग वगैरह.
हेलो बर्फ। नहीं नहीं मेरे को नहीं। ये शगुन क्यों होता बेटा? ये मैं अपने ऊपर भी गिरा रहा हूँ, बाइक पे भी गिरा रहा हूँ। वाह, अरे ये चीनी नहीं लग रही। क्रिस्टल्स भी देखो, नीचे देखो, ज़्यादा पुरानी बर्फ़ नहीं है। ज़्यादा पुरानी होती ना वो जैसे रोहतांग में देखी थी जमी हुई, ये फ्रेश है, कुछ टाइम पहले की है ये। एवेंजर बाइक तू तो लव है यार, तू पीआर है, पीआर। ओ भाई लैंड कब होगा, लैंड करा दे। ये देखो ये जो होता ना शार्प शार्प से, एवेंजर को तो फुल टच कर लिया, ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। एवेंजर ऑफिस में एक बार मेल डालना और अपने वीडियो सेंड करना। हाँ, और ये भी दिखाएंगे अपन कितने सामान लेके आए पहाड़ के टॉप पे। ये वी हैव रीच खारदुंगला टॉप फाइनली। BRO वेलकम्स यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खारदुंगला, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्रिप। निशा का मजा आ गया, योर एडवेंचर इज अ डेली रूटीन। जय बजरंग बली। गाइस सो वी हैव रीच खारदुंगला टॉप व्हिच इज एप्रोक्सीमेटली 18000 17982 17982 प्रिसाइजली। And to top it all, यहाँ पे स्नोफॉल भी हो गई। देख रहे हैं स्नोफॉल थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी है। और इस वक्त बज रहे हैं 4:15, मतलब अपन टाइम से आ गए यार, 2:30 बजे निकले थे, 2 घंटे के अंदर अंदर पहुँच गए अपन। खूब लोग हैं एक्चुअली, लोगों से थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी आया था। वाह, मौसम थोड़ा खराब सा हो रहा है, लेकिन दिक्कत रहती है अगर स्नोफॉल हो गई तो और दिक्कत। हाँ, हमारे बाइक पे सामान देखो कितना है। थैंक यू सो मच एवेंजर। एंड गाइस आप नए अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल यूट्यूब एक्सप्लोर द वर्ल्ड बाय रोड, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल सेम नेम। मैडम कैसा लग रहा है आपको? हेलमेट क्यों पहन रहे हैं? लग रही है मजा आ गया। सो वी हैव कवर्ड फर्स्ट बारालाचला, देन नकीला, देन लाचोंगला, सही प्रोनाउंस करो ना, लाचुंगला, फिर तंगलंगला, नाउ खारदुंगला। मनाली ले हाईवे पे आपको ये सारे पासेस मिल जाएंगे। चलो बेटा सांस, ऑक्सीजन कम होती है ऐसी हाइट्स पे, एंड जनरली तो रुकना नहीं चाहिए 10-15 मिनट से ज़्यादा। क्या बात है, ये लोग नूपरा वैली से आ रहे हैं, क्या बर्फ है भाई यहाँ, ज़्यादा है यार। क्या बात है यार, क्या मस्त बर्फ दिख रही है। थोड़ी हमें भी जगह दे दीजिए, थैंक यू। एक्चुअली क्या होता है, बर्फ होती है, पिघलती है, पानी बनता है, और फिर उस पानी वाले सड़क पे जब बहुत हैवी व्हीकल्स चलते हैं ना तो फिर रोड में ये सब हो जाता है, पोर्टल्स, देसी भाषा में गड्ढे। और यार ये देखो, हाँ एक निकालेंगे। अरे बाप रे यार, कितना हार्ड है यार, मतलब ये फ्रेश नहीं होती है। देखो छोटी सी गिर रही थी, ऐसे इतनी सी गिर रही थी ना। हाँ यार देखो बर्फ पे धूप पड़ रही है, कितना अच्छा लग रहा है। ये नहीं लग रहा चॉकलेट डेजर्ट। अब ऐसे ढलान पे ना अवॉइड अप्लाइंग फ्रंट ब्रेक्स, स्नोफॉल भी हो रही है यार, आप यकीन करोगे हेलमेट के अंदर भी आ रही है। अच्छा लग रहा है,
कॉशन एंड केयर मेक एक्सीडेंट रेयर। प्यारा लगता है ना ऐसे पानी बहता साथ में। बहुत वो डेंजरस वाली वाटर क्रॉसिंग रोड के नीचे से करती है, ब्रिज बना के। अच्छा अच्छा कर दिया, फुल वाइट यार। हमारी स्नोबॉल से हम बोलते हैं अब ज्यादा आ रही है। ये देखो ये वाटर क्रॉसिंग भी ना इसके नीचे से कर दी। अच्छा काम कर रहे हैं यार। ऐसे भी कर दी होगी और अभी फ्लो भी कम होगा। हाँ ज्यादा फ्लो होता है तो इसके ऊपर से जाने से कोई नहीं रोकेगा। सामने मौसम देखो, वहाँ पे बर्फ जमी हुई है नदी में, वहाँ से पानी आ रहा है। सही है यार ये। हाँ नीचे आ रही है। हम आ गए नॉर्थ कुल्लू और यह है निशा। निशा तुम्हारी जैकेट, तुम्हारी टोपी और तुम्हारे लिप्स सब मैच हो रहे रेड रेड, एज इन मरून मरून। खाना खाने के बाद एज इन मैगी चाय के बाद प्यारी सी नदी दिखाते हैं आपको। अरे वाह 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 बेबी, मेरे को ऐसे नदियाँ छू के बहुत अच्छा लगता है। यहीं कैंपिंग कर सकते हैं, यहाँ रखते हैं सामान। जय हो। खा ले बेटा खा ले। वेरी गुड, आपने डॉगी को बिस्किट खिला के पॉलिथिन अपने पॉकेट में रख ली, वेरी गुड। इसका नाम पूछो डॉगी का। डॉगी नाम क्या है बता दे। चलो शेक हैंड करो, शेक हैंड करो। चलो हाँ चलो बैठ जा, बैठ जा। सुकून मिल रहा है ना इस जन्नत में, मैं बता नहीं सकता। आपको कभी भी मौका लगे ना एक अच्छी से ठंडी जगह पे आके नदी के किनारे बैठ जाना, बस बस ये देखो ऐसे। ओहो सुकून, हाथ फ्रीज हो रहे हैं फिर भी। हाँ चिल्ड अप पानी, माइनस में होगा टेम्परेचर, बट स्टिल मजा आ रहा है। भगवान ने इतनी सुंदर धरती बनाई है, यहाँ पे इस प्यारे से डॉगी के साथ खेल कूल के अब हम निकलते आगे। बैठ जाओ। हेलो, मेरे को हेलो कर रहा है, कितना क्यूट है यार। हाँ बेटा क्या हो गया। हाँ हाँ तो रिकॉर्ड भी हो गया ये, घूम गया। तेरी फोटो तेरे को भी देखनी है इतने क्लोजअप से। निशा क्या है ये, प्यारे से नॉर्थ पुलू को बाय बाय बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं डिस्किट हुंडर की तरफ यानी नुब्रा वैली की तरफ। चलो जी, गजब ठंड है यार।
बहुत बड़ा पैच है यार ऑफ रोडिंग का, सड़क है भी कि नहीं है? ओ भाई तो आगे तक नहीं है सड़क, वो देखो। चलो आज ये ऑफ रोडिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यार ये क्या सही है जगह। एक तो जब अरे भाई ये तो और खराब हो गई रास्ता। क्या चाहते क्या भगवान जी? ऑन दी बेंड गो स्लो फ्रेंड। देखा इतने प्यार से इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। अभी ड्राइवर कैसा हो? मेरे जैसा हो? मेरी जैसा हो। ओके ओके बस बस अपनी तारीफ नहीं की जाती ना। सो वो नॉर्थ कुल्लू से लेके खारदुंग जो टाउन आया था वहाँ तक रोड्स पथेटिक हैं। थोड़ी सी बेटर हो जाती है वो ब्रिज के बाद, बट आप रफली लेके चलो खारदुंग तक, उसके बाद खारदुंग से रोड्स अच्छे हैं। क्या सही है यार ये। ऐसे जैसे किसी ने वेलकम किया अपन को बड़े से द्वार में। अच्छा तो गाइज अगर आपको पैंगोंग लेक जाना है नूबरा वैली से तो यहाँ से रास्ता जाता है, ये रास्ता नूबरा वैली को जाता है लेफ्ट वाला। ये शायोक वैली है एंड दिस इज नूबरा वैली जहाँ हम जा रहे हैं। कितना सुकून मिल रहा है। पास ही नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा भाई इसलिए 2 किलोमीटर से। पास तो दे दो यार, लाल चट्टान है पूरी। वाह ऐसे कैसे सब कुछ ब्राउन था, ये लाल कैसे? सामने मौसम देखो यार। ये देखो रेड और वो ब्राउन। शॉर्टकट इज लाइफ कट लिखा हुआ है वहाँ पर। यहाँ ना गाइज आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलेंगे बट हम तो सजेस्ट नहीं करेंगे शॉर्टकट के लिए बिकॉज वो रास्ते ही बहुत ख़राब हैं वहाँ के एंड बाइक के ब्रेक्स लगे ना लगे। यार अभी हम आ रहे थे बजरी का पैच आया, मैं चक्कर से आ गया एकदम से। मैंने बोला इट्स बेटर कि एक बार रुक के पानी पी लेते। दो बार आए इनफैक्ट चक्कर, दो बार। और मुझे दीपांशु मैंने ने एक बार भी नहीं बताया। चक्कर से आ गए थे, पानी वानी पिया एंड रोड्स ऑल दो टर्मैक है बट यहाँ पे मिट्टी मिट्टी थी। हाँ जी तो ट्रक ने रोक लिया पूरा रास्ता, कान में मधुमक्खी चली गई थी। वाह यार इसे नदी बहते हुए इतना सुंदर लगता है ना। गाइज ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में नदी बह रही है इसका नाम है श्योक, SHYOK श्योक रिवर। डिस्ट्रिक्ट 17। वाओ यार ये एक अलग ही दुनिया है यार, शख्सगाम वैली क्या बात है यार। दूर दूर तक स्ट्रेट रोड, एक अलग ही फील है बेबी यहाँ नूबरा वैली की। यार यहाँ ना वाइट सैंड ड्यून्स भी हैं। मतलब नदी अपना रास्ता बना ही लेती है। गाइस कैसा लग रहा है आपको ये ब्लॉग एंड इनकेस अगर पसंद भी आ रहा है तो
कमेंट में अपने व्यूज़ बताइएगा। यहाँ पे अंधेरे में चलाने में उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा है बिकॉज बहुत सारे टूरिस्ट थे, राइडर्स हैं, और डिस्कट यहाँ से 8 किलोमीटर है, हुंडर उससे थोड़ा सा आगे है। गाइस पता है 8 बज रहे हैं और फुल अंधेरा नहीं हुआ है अभी तक, मतलब स्टिल हाँ कुछ ज़्यादा ही करीब है आसमान के। सो हम पहुँच चुके हैं नूबरा वैली रात के 8:05 पे। अब यहाँ देखते हैं क्या मिलता है हमें होटल वगैरह। सो फाइनली गाइज हम पहुँच चुके हैं हुंडर में। हुंडर में डिस्किट से 7 किलोमीटर आगे हुंडर आता है। डिस्किट मुझे लगा बिस्किट। डिस्किट जगह का नाम है नूबरा वैली में। हुंडर भी नूबरा वैली में ही आता है, श्योक रिवर के पास में। हमने यहाँ पे अपना कैंप बिछा लिया, काफ़ी अच्छी लोकेशन है एक्चुअली यहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली सुबह दिखाएंगे। बाइक भी हमने यहाँ कर ली बिकॉज जब आप कैंपिंग करते हो तो आपका व्हीकल आपके पास होता है तो सामान ले जाने करने में बहुत ईजी होता है। अभी हमने सारा सामान यहाँ रख दिया है एंड कैंपिंग लोकेशन इज़ लाइक दिस। एक्चुअली ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि आप पीछे कैंप लगा लो बिकॉज उनके पास रूम सारे फुल हैं, तो हमारी तरह कई लोगों ने भी कैंप्स लगा रखे हैं। गाइस इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच आपने वीडियो यहाँ तक देखा, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर भी कर लो क्योंकि ये बिल्कुल ही रॉ वीडियो है। रॉ वीडियो सुंदर सुंदर नहीं दिख रहा है सब एकदम। और कमेंट में अपने फेवरेट पार्ट बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।